जेएनयू को कभी देश की नंबर वन यूनिवर्सिटी कहा जाता था, उसके रिसर्च के लिए जाना जाता था, उसके छात्रों के लिए उसकी पहचान होती थी। आज इन वीडियो की वजह से जिसमें मारपीट लाठी डंडे नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से जेएनयू की पहचान बन रही है। शुक्रिया यूसुफ तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे रुक करते हैं और खबर बिहार की सियासत से। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आएंगे के पाठक, ये बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक, प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, बिहार सरकार ने भी आवेदन को मंजूरी दी थी। स्कूलों में कड़े नियमों को लेकर विवाद में रहे हैं के पाठक, स्कूल की टाइमिंग को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, के पाठक को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे, कई तरह के विवाद भी हुए थे। अब बिहार सरकार ने के पाठक के केंद्र में प्रतिनियुक्ति को लेकर मंजूरी दे दी है। स्कूल में नियमों को लेकर काफी विवाद रहा था, अब उन्होंने खुद ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति की मांग की है, बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार को उन्होंने एक लेटर लिखा था। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, क्या अपडेट है अभी इस पूरे मामले में? तो सौरभ से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें बिहार सरकार ने भी इस आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। स्कूल के नियमों में कई तरह के बदलाव किए थे के पाठक ने, स्कूल की टाइमिंग को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए थे, छुट्टियों को लेकर कई तरह के विवाद हुए थे। इन तमाम विवादों के बीच अब के पाठक ने एक लेटर लिखा था कि केंद्र में उनकी प्रतिनियुक्ति हो, बिहार सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार को उन्होंने आवेदन किया था। लगातार इस पूरे मुद्दे एक बार फिर सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, जरा बताएं। जी बिल्कुल रवि, के पाठक को हरी झंडी मिल गई है बिहार सरकार के तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मजबूरी क्या रही बिहार सरकार की, क्यों हरी झंडी मिली बिहार सरकार के तरफ से, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार सदन के अंदर और पटना के गांधी मैदान से भी उन्होंने के पाठक की तारीफ की थी। और जिस समय गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी, यानी लाखों नियुक्ति पत्र शिक्षकों की बांटी जा रही थी, उस समय जब मुख्यमंत्री ने के पाठक का नाम लिया था तो खूब तालियां बजी थी और मुख्यमंत्री ने कहा था कि के पाठक के आने के बाद शिक्षा विभाग में कई सारे सुधार हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन्हें हरी झंडी देनी पड़ी के पाठक का? इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राम सूरत राय। सर, ये बताइए मजबूरी क्या रही, जो अधिकारी इतना अच्छा काम कर रहे थे उनको आपने हरी झंडी कैसे दे दी, कैसे परमिशन दे दिया कि आप केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं? कोई पहली बार के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे बड़े अधिकारी गए हैं और ये सारे अधिकारी भारत सरकार के अधीन आते हैं और निश्चित तौर पर पहले से आवेदन उन्होंने लगाया होगा जिसकी हरी झंडी दी गई है, निश्चित तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया था और जो सेक्रेटरी आएंगे अच्छा काम करेंगे, चिंता की बात नहीं। लेकिन जो खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला जो है वो बीजेपी के दबाव में लिया है। हमारी जो सरकार है, एनडीए की सरकार, चाहे भारत में हो, चाहे बिहार में, चाहे अन्य राज्यों में, दबाव में राजनीति नहीं होती है। जनता के हित में, विद्यार्थी के हित में जो निर्णय लिए जाते हैं उस निर्णय को सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कई बार कह चुके हैं ना कि के पाठक की जरूरत जो है वो बिहार में बहुत ज्यादा है, तो अब सरकार बदल गई, गठबंधन बदल गया, आप लोग साथ में आ गए, उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, उसके बाद ही सहमति दी कि आप जा सकते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर? बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरकार आएगी जाएगी, मंत्री विधायक बनेंगे आएंगे, अधिकारी आएंगे जाएंगे, संस्थाएं रहती है और कार्यक्रम चलते रहता है। तो शिक्षा विभाग बेहतर काम किया था और भी बेहतर काम करे, इसके लिए अन्य पदाधिकारी आके काम करेंगे। तो आप लोग चाहेंगे कि रुक जाएं वो कुछ दिन और भी बिहार में शिक्षा विभाग में अच्छे काम करें, क्योंकि जरूरत है उनकी? के पाठक की इच्छा है, उनकी इच्छा की पूर्ति की गई है, चिंता करने की बात नहीं। के पाठक की इच्छा थी और इच्छा की पूर्ति का कहना है कि के पाठक की इच्छा इसलिए किया गया या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल? शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी।